यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्तो नियम्ये एतत् आत्मन्येव वशं नये। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितम् यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो
हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।